देखिए नगर निगम की ओर से ये है शुद्ध पेयजल। देखिए वहाँ पे सामने वर्क चल रहा है, मतलब सही है, धीरे धीरे वर्क चल रहा है मत चल रहा है। अब हम आ गए हैं सरयू पुल पे। अरे यार इस पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है फिर से मैं इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं धर्मपथ मार्ग के निर्माण का, मतलब जो काम पेंडिंग थे वो काम कितना पहुंचा है। उससे पहले आपको दिखाएंगे रामार विश्वविद्यालय कितना बन चुका है, दिखाते हैं आपको अगल बगल चीज़ें क्या चीज़ अभी कैसे यहाँ पे है। तो दोस्तों हम जो है अभी NH-27 पे खड़े हुए हैं और ठीक एकदम वहाँ बैकुंठ धाम है जहाँ पे मृत शरीर को अग्नि दी जाती है, उसके ठीक सामने यहाँ पे देख सकते हैं ये रामायण विश्वविद्यालय बन रहा है, जो कि इसमें जो है वैदिक साइंस और मतलब जो है पूजा पाठ से रिलेटेड शिक्षा जो है इसमें दी जाएगी। तो इतने काफ़ी बड़े में वहाँ पीछे देख सकते हैं उधर बन रहा है, ये पूरा ऐसे बन रहा है, काफ़ी मतलब अच्छा भव्य मतलब ये बन के निकलेगा बहुत ही जल्दी। तो मुझे लगा कि इसको भी लगे हाथ आपको दिखा देना चाहिए था। तो अभी मौके पे जो है दोस्तों ये इतना बन चुका है और अभी हम चलेंगे आगे, आपको धर्मपथ मार्ग दिखाएंगे। अयोध्या नगरी में अयोध्या दर्शन के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, आगे फ्लाईओवर पड़ता है, फ्लाईओवर के ऊपर नहीं जाना है, बगल से जाना है। अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं। और जो नई अयोध्या बसाई जाएगी, जैसा हम सबको पता है माझा बरेटा उधर के साइड से जहाँ वो बाइक से जा रहे हैं, देखिए वहाँ पे एक वो उधर वाली रोड से ऐसे कट गया है, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है अयोध्या आई थीम पार्क, मतलब उधर के साइड हमने अपडेट दिया हुआ है। और उसी के साइड ही जो 40 मेगावाट सौर ऊर्जा की परियोजना, मतलब पूरा पैनल वगैरह भी उसी के साइड लगा हुआ है, उसके बारे में हमने आपको दिखाया, देखिए उसका भी बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है। तो उधर के साइड जो है वो रोड भी जो है 4 लेन दोस्तों, ये वाली जो उधर के साइड है वो भी मतलब बनाई जा रही है, उसका भी बहुत ही जल्दी आपको अपडेट देते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों इधर के साइड आगे। हवा से जितने पोस्टर लगे हुए थे सबके सब गिर गए, देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन रहेगा दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है। आप देखिए दोस्तों हम लोग जो है इधर से आप लेफ्ट साइड की ओर घूमेंगे, ऊपर फ्लाईओवर से अगर गोरखपुर की ओर मार जाता है गोंडा बस्ती बहराइच, देखिए यहाँ पे ये नया चीज़ अपडेट है, सूर्य स्तंभ लगा हुआ है वहाँ पे। ऑटो वगैरह जो है अंदर वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता, तो यहीं पे लोग रहते हैं, यहाँ पे गली गली में सिर्फ ऑटो घूमता हुआ मिल जाएगा, मेन रोड पे तो मना है। देखिए कितनी सारी बसें खड़ी हुई हैं बाहर बाहर से आके, इधर ये मल्टी लेवल कार पार्किंग है पीछे। अब देखिए टू व्हीलर तो जाने को मिलेगा ही, चलो इसे इधर से टू व्हीलर जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बैरिकेड्स किया गया था और बड़ी गाड़ियाँ उधर से जा रही हैं और टू व्हीलर जो है हमने लिया हुआ है, तो इधर से मतलब उधर से घूमते हुए फिर बड़ी गाड़ियों को इधर से आज तो जाने दिया जा रहा है। अब देखिए यहीं से ये धर्मपथ मार्ग स्टार्ट है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पानी वगैरह का भी छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ पे चेकिंग बूथ है ये, रुक जाइए थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर आपको थोड़ा सा काम दिखाते हैं। उधर सब देखिए अभी भी जैसे काम बिल्कुल नहीं हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे रोकते हैं गाड़ी तो आपको दिखाते हैं, देखिए नगर निगम की ओर से कितना अच्छा काम किया गया है। देखिए
साफ सफाई धुला गया है काफी अच्छे से। मगर ये सब अभी देखिए बाकी है, इसका निर्माण कार्य तेज नहीं हो रहा है। देखिए नगर निगम की ओर से ये है शुद्ध पेयजल, मतलब लग रहा है पानी खत्म है, कुछ ऐसा ठंडा पानी मतलब जाएगा। अभी तो उसका लग रहा है सेटअप किया जा रहा है। डिजाइन वगैरह देखिए अब बरसात में पता चलेगा क्या कितना अच्छा बनाया गया है। देखिए अभी इधर के साइड जो है वर्क होना बाकी है, क्योंकि इधर के साइड भी डिजाइन बनी हुई है। इधर भी जो है रोड बनेगी पूरा एकदम सीधाई में जाएगी, क्योंकि लाइट के कनेक्शन वगैरह भी आप देख सकते हैं दिया गया है। चलिए चला जाए आगे। उधर भी देख सकते हैं अभी एक इधर का तीन बाकी है, उधर देखिए बन रहा है। उधर भी जो है पेयजल की सुविधा देखिए दी गई है, वहाँ पर कुछ लोग उसका यूज़ भी कर रहे हैं। एक चीज़ अच्छा है बीच में जो है आप देख सकते हैं घास आपको दिख रही होगी। चलिए चला जाए इधर के साइड। देखिए तो उतना बड़ा वहाँ पे वो टॉयलेट बनाया जा रहा है धर्मपद पे, जो कि अभी बाकी है उसका काम। आज दोस्तों संडे है और हमने आपको डेट एंड टाइम नहीं बताया, आज 7 अप्रैल है और संडे है आज। देखिए कितने अच्छे से ये सब ग्रो हो गए हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। बरसात के टाइम में और भी अच्छा ग्रो हो जाएगा, बट अभी डिज़ाइनें बहुत सारी बाकी। मुझे लग रहा है कि इसका काम जो है अभी रुक ही गया है, ऐसा फील हो रहा है। अब ये सतरंगी पुल, इधर के साइड जो है ये रामघाट हाल्ट रेलवे स्टेशन वहाँ ऊपर। देखिए अभी भी उधर पे वॉल पे जो है कई सारी डिजाइनें बाकी हैं। देखिए वहाँ पे निर्माण हो रहा है। अब आ गए हैं दोस्तों हम हनुमान गुफा चौराहे पे। यहाँ पे देखिए फोर व्हीलर रोक रहे होंगे ना, इसी वजह से जाम लगा हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी देर के बाद जाम खुल चुका है यहाँ पे, और ये है पचकोसी पैगामार जिसका कि चौड़ीकरण का काम हो रहा है। तो हम चलते हैं अभी आगे, तो इसी वजह से जाम देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ था। किसी ने सही कहा था कोरोना के बाद दूसरा सबसे बड़ा वायरस ये है बैटरी रिक्शा। चलो भैया निकलते हैं, ये चीज़ अच्छा हुआ। यहाँ पे देखिए एक शौचालय यहाँ पे भी है, और पानी की सुविधा देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बनेगा। उधर के साइड भी देख सकते हैं अभी वॉल पे 58 नंबर है वो, तो काम हो रहा है दोस्तों यहाँ, सब देख सकते हैं आप। देखिए पूरी पानी की व्यवस्था की गई है जल निगम की ओर से, वाटर कूलर की। तो इधर सब जो है वॉल पे काम चल रहा है। देखिए ये वाला फाइनल हो चुका है, उधर भी देखिए कैसे वर्क हो रहा है। देखिए एक शौचालय यहाँ पे है जो कि अभी निर्माणाधीन है। रामकथा पार्किंग उस साइड पर काफी बड़ी रामकथा पार्किंग है।
देखिए हम पहुंच गए हैं लता मंगेशकर चौराहे के बेहद ही नज़दीक। देखिए मटेरियल जो है ट्रक उतर रहा है, कई सारी स्ट्रीट लाइट वहाँ पे रखी गई है, जैसे हब सेंटर होता है। ये देखिए यहाँ पे भी इस पर भी घेर दिया गया है, ये चीज़ बढ़िया हुआ है भाई, देख सकते हैं इस पर भी घेर दिया है ताकि ये भी पेड़ पौधे सुरक्षित रहें। अब इधर भी देखिए बीच में जो है कैसे घेरा गया है इनको, देखिए वहाँ पे सामने वर्क चल रहा है, मतलब सही है, धीरे धीरे वर्क चल रहा है मगर चल रहा है। देखिए कितनी सारी बसें यहाँ पे हैं, इलेक्ट्रिक बसें जो कि पूरी सुविधाएं जो है श्रद्धालुओं को दे रही हैं। तो धर्मपथ मार्ग काफ़ी अच्छे से मतलब वर्क भी किया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ साफ सफाई वर्कर भी हैं। चलिए चलते हैं आपको सरयू नदी का दर्शन करवाते हैं आज। रात में इतना ज़्यादा खूबसूरत ही लगता है सूरज की क्या होता है जो है, सरयू नदी पे चलो ना ऐसे बगल से। देखिए यहाँ पे बिना पास के आपको फोर व्हीलर नहीं जाने देंगे। देखिए यहाँ पे एक अलग लेवल की भीड़ रहती है, अब तो थोड़ा सा धूप है तो कम है, नहीं तो मौसम जब ठंडा थोड़ा सा होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़। आपको अगर कभी आते हैं अयोध्या तो इस जगह पे चाय पीजिएगा, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। अब ये पुलिस चौकी नया घाट, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बनने वाला है, ये वाली तो रोड जो है वो चौड़ी होगी ही और आगे एक पुल और बनने वाला है सरयू पुल के ठीक बगल में। इधर ये राम की पैड़ी, इतनी सारे ये सोलर लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पे देख सकते हैं, और राम की पैड़ी पे भी दोस्तों देख सकते हैं ये सब निर्माण कार्य किए गए, इसका भी अपडेट देते हैं आपको जल्दी। अब देखिए यहाँ से एक है उतरने वाला राम की पैड़ी पे जाने के लिए, एक आगे है, देखिए एक यहाँ से उतरने वाला है। अब घाट पे उतरने के लिए यहाँ से नीचे से उतरेंगे सामने नया घाट। अब हम आ गए हैं सरयू पुल पे। अरे यार इस पे कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, अरे गई देखिए दोस्तों यहाँ से नज़ारे देखिए संडे के दिन। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ है और गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा खड़ी हैं यार, जबकि इस पुल से जो है गाड़ियाँ बड़ी आना जाना मना है और इस पे खड़ी हैं। और इस पे एक चीज़ और देख सकते हैं, ये पूरे लाइन से लगे हुए हैं काफ़ी अच्छा, जैसे वहाँ पे लगा हुआ है एक, रात में काफ़ी अच्छा ग्लो करता हुआ है। और सरयू नदी का जलस्तर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहें, जैसा कि अभी हमने आपको बताया वीडियो में कि एक पुल और बनेगा ठीक बगल में, ये सरयू पुल है और इसके बगल में एक पुल और बनेगा ताकि ये दोनों काफ़ी अच्छा मार्ग हो जाए, और आगे जैसा कि धर्मपथ आपने देखा है कितना चौड़ा है उसको भी भविष्य में और चौड़ा किया जाएगा और
आना जाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए, इधर से कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। और बैराज भी बनने वाला है, अब देखिए वो कब बनता है और बैराज किस पॉइंट पे बढ़ेगा। बैराज वो चीज़ है जो पानी को रोका जाता है अपने इच्छा अनुसार, मतलब उसको फिर आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है। बैराज से जल स्तर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जैसे ये सब नाव वगैरह रहे तो कई सारी नाव देखिए वहाँ पर वाटर मेट्रो खड़ी हुई है, तो उन सारी चीज़ों का जो है लुफ्त आसानी से उठाया जा सके। तो अब देखिए कब बनता है, चीज़ें जो है अभी बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। आइए चलते हैं उधर। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस यहीं तक, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।